भारत में गुरु पूर्णिमा का अवसर एक अद्भुत अवसर होता है, खोजियों साधकों के लिए एक अभूतपूर्व अवसर। गुरु पूर्णिमा का जो ये चुनाव है भारत में, ये भी अपने आप में बहुत ही अनूठा है। आषाढ़ के महीने में जो पूर्णिमा होती है उसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आषाढ़ का महीना हमारे देश में मानसून का आगमन हो चुका होता है, आसमान में बादल छाए होते हैं, बड़ा अनिश्चित सा अनप्रडिक्टेबल सा सारा वातावरण होता है। कब बारिश होगी, कब बारिश थमेगी, कब आसमान में बादल छा जाएंगे, कब बादल छटेंगे, सारा का सारा वातावरण बड़ा ही अनिश्चित और रहस्यमय। और बारिश का होना अपने आप में ही बड़ा सुखद होता है। जब गर्मी का मौसम धरती को तपा चुका होता है तो उस उत्तप्त धरती पर बारिश जब शुरू होती है और मिट्टी की गंध पूरे वातावरण में फैलती है, इससे खूबसूरत, इससे रहस्यमय वातावरण दूसरा और हो नहीं सकता। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भारत में आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बनाया गया कि जब कोई साधक खोजी अपनी यात्रा में तप चुका है, जिंदगी के कड़ी धूप के सफ़र में निकल चुका है, उसके अंतर मन की जो ज़मीन है प्यासी है, जैसे बाहर की ज़मीन प्यासी होती है, तेज़ धूप उस ज़मीन को सुखा चुकी होती है, इसी तरह से जो खोजी है, जो सीकर है, उसका अंतर मन भी प्यास से भरा है, उसके अंदर एक आतुरता है, अभीप्सा है। बारिश होगी नहीं होगी ये वो नहीं जानता, लेकिन उसके प्राणों में एक गहरी और अदम्य प्यास है, क्योंकि ये उत्तप्त होना ही बारिश को आमंत्रण भेजता है। जब तक प्यास गहरी ना हो पानी के लिए आमंत्रण नहीं उठता। तो आषाढ़ के महीने में ये बाहर का जो वातावरण है ऐसा ही खोजी के अंतर जगत में वातावरण है। और फिर जब आसमान में बादल छाते हैं, बारिश होती है, तो धरती की जो प्यास है परितृप्त होती है। पूर्णिमा का चुनाव वो अपने में एक अलग खूबसूरत ढंग है कि एक तो आषाढ़ का महीना हो, बादलों की आवाजाही हो, बारिश का एक खूबसूरत सा ढंग हो और उस पर रात हो, और रात भी पूर्णिमा की रात हो, जब मध्यम सी चांदनी पूरे वातावरण में फैली हो और बादलों का, काले घने बादलों का कोई भरोसा ना हो कब आकर वो चंद्रमा को ढक लेंगे और कब घुप अंधेरा छा जाएगा और कब वो बादल हटेंगे और फिर से वो कोमल रोशनी पथालोकित करने लगेगी। निश्चित कुछ भी नहीं है। आषाढ़ की पूर्णिमा में इतने काले और घने बादल प्रायः होते हैं कि चंद्रमा पूरा का पूरा ढक जाता है, आसमान पूरा ढक जाता है और अंधेरा वैसा ही हो जाता है जैसी अमावस। कभी कभी तो दिन में भी इतने घने बादल होते हैं कि धुंधलका छा जाता है, तो रात में तो और भी धुंधलका गहरा होता है, अंधेरा गहरा हो जाता है, और एक पल अंधेरा और दूसरे पल बादल हटते हैं और बादलों के पीछे से चंद्रमा प्रकट होता है। लेकिन इसके बारे में अनुमान लगा सकना संभव नहीं है। तो गुरु का होना भी इस पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह होता है, जो है चेतना के आकाश में उसका होना है, लेकिन वो कब प्रकट होगा,
कब उसका आलोक हमारे पथ को आलोकित करेगा ये हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि प्यास है गहरी, और जो बादल उस चंद्रमा को ढकते हुए जान पड़ते हैं वो उसके विरोधी नहीं हैं, वही बारिश को लेकर भी आते हैं। यानी कि आलोक तो हमारे ऊपर झरता ही है, और आसमान में जो बादल घिरे हैं उनसे बरसती बूंदें भी हमें गहरे तक सुकून देती हैं। गुरु एक टोटलिटी में, एक परिपूर्णता में घटी घटना है। पूर्णिमा की रात जो आषाढ़ की है उसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है। वो आसमान, उसकी असीमता, वो खुलापन, चंद्रमा जो सूरज के प्रकाश को परावर्तित करके हम तक लाता है। सूरज जिससे हम सीधे आँख नहीं मिला सकते, लेकिन चंद्रमा से आँख मिला सकते हैं। तो जो परमात्मा है, जो परम अस्तित्व है, उसकी विराटता और रहस्यमयता से तो हम रूबरू नहीं हो सकते, लेकिन गुरु से हम रूबरू हो सकते हैं। इसीलिए चंद्रमा का चुनाव, सूरज का चुनाव इसलिए नहीं है। वो उस परम रहस्य को अपने भीतर परावर्तित करके हम तक लाता है, वही गुरु है। लेकिन वो केवल पूर्णिमा के चंद्रमा ही में ही समाहित नहीं है, वो तो पूरे वातावरण में। इसीलिए गुरु पूर्णिमा जब कहा गया तो उसमें वो सारी समग्रता का स्वीकार है। वो बादल, वो बारिश, वो आसमान, वो तारे, वो चांद, सब कुछ। अब बादल जो कभी कभी किसी को लगता है कि हमारा अवरोध बन रहे हैं, लेकिन जब हम उन अवरोधों के प्रति जागते हैं तो उन्हीं बादलों से बारिश भी होती है। जो बादल लगता है कि इस चंद्रमा के आलोक को ढक रहे हैं, वही बादल सरकते हैं तो चंद्रमा प्रकट भी होता है, रोशनी भी आती है। लेकिन ये ढकने का आयोजन भी किसी और व्यवस्था के घटने के लिए है, उस बारिश के लिए है। और फिर चाहे हम चंद्रमा के आलोक को देखें, वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के सबके ऊपर झड़ता है। चाहे हम बादलों से होती बारिश को देखें, वो बिना किसी भेदभाव के सबके ऊपर बरसती है। गुरु का होना भी ऐसा ही है, उसका प्रकाश सबके ऊपर बराबर झड़ता है। जो उसको जिस तरह से ग्रहण करता है उसके लिए वो उतना उपलब्ध हो जाता है। और आसमान में छाए बादलों की तरह ही वो बरसता भी है। जो जितना उस बारिश में भीग पाता है उसके लिए वो बारिश उतनी हो जाती है। जो पात्र खाली बारिश में रख जाते हैं वो भर जाते हैं, जो पात्र भरे होते हैं वो बारिश के जल से छलक जाते हैं, उनमें बारिश का जल उतना नहीं समाता। जो पात्र उल्टे रखे होते हैं उन पर बारिश होती भी है लेकिन फिर भी उनके अंदर जल प्रवेश नहीं करता। तो साधना यही है, अपने पात्र को सीधा और खाली रखना। बारिश हो रही होती है वो भरेगी। गुरु का होना पूरी तरह से भेदभाव रहित है, सबके लिए समान रूप से उसकी उपलब्धता है। लेकिन उसके लिए हमको खुलना है, उसके रहस्य के प्रति हमको जागना है। और आषाढ़ पूर्णिमा का ये जो रात का वातावरण है ये इस रहस्य में एक गहरी उत्सवमयता को शामिल कर देता है। तो भारत में इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा की तरह चुना गया। जो भी शिष्य हैं, खोजी हैं, साधक हैं, वो दूर दूर से इकट्ठे होते हैं अपना अनुग्रह भी व्यक्त करने के लिए। उस गुरु के साथ वो हो पाए, ये शरीर में होना घटा, ये संग साथ मिला, इसके लिए गहरा अनुग्रह, ग्रेटिट्यूड। और एक गुरु कोई अलग गुरु नहीं है, गुरु एक घटना है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा एक घटना है, बादल एक घटना है, ये आसमान की असीमता भी एक घटना है, उसमें सब कुछ शामिल है। तो एक गुरु जिसे हम सशरीर अपने सामने देखते हैं, जिससे हम हार्दिक रूप से जुड़ते हैं, जिसके प्रति हमारा प्रेम बहता है, वो अकेला नहीं है, अलग थलग नहीं है। जितने भी गुरु धरती पर हुए हैं
वो सब उसकी उपस्थिति में शामिल हैं। ये एक सिलसिला है, गुरु की प्रेजेंस, गुरु की उपस्थिति एक अंतहीन सिलसिला है जिसमें अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के सारे गुरुओं की जो धारा है, प्रकाश है, वो शामिल होता है। इसलिए हम कहीं भी जुड़ें, किसी भी तरफ हम पहुँचें, हम उस विराटता के प्रति ही जुड़ते हैं, उससे ही हमारा संयुक्त होना होता है। तो इस खूबसूरत अवसर का लाभ उठाएं, उसमें डूबें और वातावरण में जो रहस्य छा चुका होता है उस रहस्य से आमना सामना करें और इस ग्रेस की, प्रसाद की बारिश में डूब जाएं।